गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर से जो है केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात करते चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हमने कुछ भी बात नहीं, थोड़ा बेसिक बात की थी बच्चों। ओर्नी केमिस्ट्री चल रही है, आपको रोज घर पर कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, रोज कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जितना मेहनत आप करोगे, जितना प्रैक्टिस आप करोगे, उतना आपके लिए बेटर है बच्चों, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओर्नी केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर जो 10 है हेलो एल्केन की। और सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 10 है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ये हमारा चैप्टर था बच्चों, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले बात की थी, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन जो हमारे पास में डेफिनेशन थी, तो हमने बोला था व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय एनी हेलोजन एटम, ठीक है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था RX से, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था हेलो एरिन। एरिन का मतलब होता है बच्चों बेंजीन, क्या होता है बेंजीन होता है आपके पास में। तो बस बेंजीन पर आपको क्या लगाना है, हेलोजन परमाणु लगाना है, हेलोजन एटम लगाना है। तो ये कौन आ जाएगा C6H5X, तो ये कौन हो जाएगा आपस में हेलो एरिन हो जाएगी बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम इज रिप्लेस बाय हेलोजन एटम, एनी हेलोजन एटम इज कॉल्ड इज नोन एज हेलो एरिन्स। तो बच्चों बेंजीन जो होती है एरोमेटिक सिस्टम होता है, 11th क्लास में हमने बात की थी एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, हमने बात की थी यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन की, किसकी बात की थी हमने, इसकी क्लासिफिकेशन की बात की थी। सबसे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा वो पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो हमने सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा यहाँ पर है, क्लासिफिकेशन बच्चों, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। और क्लासिफिकेशन किसके बेस पर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ पर आपके पास में हेलोजन एटम के बेसिस पे था, अगर आपके पास में यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन एटम बच्चों अगर मान लो एक है, वन है, तो आपने बोला था मोनो, टू है तो डाया, और मोर देन टू है तो आप क्या बोल दोगे, पॉली बोल दोगे। तो हम बोलेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव बच्चों। अगर मान लो हमारे पास में हेलो एल्केन आ रहे, तो हम क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, और पॉली हेलो एल्केन। अगर हमारे पास में हेलो एरिन आ रहे, तो क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन, और पॉली हेलो एरिन बच्चों। अब आगे बात करते हैं बच्चों, हमने बोला था कि सर अगर हमारे पास में हेलोजन एटम जो होगा वो क्या होना चाहिए, मोनो। यहीं से बात करते हैं, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अब तो मोनो जो हेलोजन डेरिवेटिव है हमारे पास में, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन के, RX के, ठीक है। अब देखो RX की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर आपके पास में ये था RX, अब देखो ये RX जो होगा मतलब कि आपके पास में जो हेलोजन एटम जो बॉन्डेड है वो कौन कौन से कार्बन से बॉन्डेड होता है, 1 डिग्री से हो सकता है, 2 डिग्री से, 3 डिग्री से, जब हम बोलेंगे प्राइमरी सेकेंडरी में टर्शियरी बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसी का क्लासिफिकेशन आगे पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। इट मीन्स आपके पास जो कार्बन जो है और हेलोजन जो है, तो हेलोजन कौन से डिग्री वाले कार्बन से जुड़ रहा है, 1 डिग्री से, 2 डिग्री से, 3 डिग्री से। अगर 1 डिग्री से जुड़ रहा है तो बोलेंगे प्राइमरी, क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइमरी, मतलब कि 1 डिग्री कार्बन CX हो जाएगा प्लस में। और अगर सेकंड है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी, शॉर्ट में बोलते हैं ये सेकेंडरी, 2 डिग्री। और एक आ जाएगा प्लस में टर्शियरी बच्चों, कौन सा आएगा, टर्शियरी, इसको बोलेंगे 3 डिग्री बच्चों। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास में यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, वो ये दिया हुआ है, सपोज दैट कि CH3X, यहाँ पर मान लो X का फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी जुड़ा है आपके पास में, ठीक है। अब बताओ ये जो X जो जुड़ रहा है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ क्लोरीन का, ये जो क्लोरीन जुड़ रहा है ये कितने कार्बन से बॉन्डेड बना रहा है, या फिर ये जो कार्बन जो आपके पास में ये कितने कार्बन से जुड़ रहा है, अदरवाइज बॉन्डेड है, कोई भी कार्बन नहीं है, एक कार्बन है ना, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री।
अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर हमारे पास में आ गया सी एल क्लोरीन। तो बताओ बच्चों, ये जो क्लोरीन है ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ रहा है 1 डिग्री से। तो देखो ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है, एक रे के दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 डिग्री। अब बात करते हैं 3 डिग्री बच्चों, देखिएगा ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री हो गया क्योंकि तीन कार्बन से जुड़ रहा है आपस में, 1, 2, 3, ये हो जाएगा 3 डिग्री। और हैलोजन किससे जुड़ रहा है, 3 डिग्री कार्बन से। तो हमने क्या बोला कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन अगर आगे पढ़े तो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम की डिग्री क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी है बच्चों। तो ये तो हो जाएगा आपके पास में ये बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्राइमरी वाले की बात करें, सेकेंडरी वाले की बात करें, टर्शियरी वाले की बात करें, अगर इसी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का आगे और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बच्चों, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया आपके पास में फर्स्ट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन नंबर सेकेंड इसी का, तो हम इसमें हेलो एल्किन की बात कर रहे हैं और हेलो एरिन की बात कर रहे हैं बच्चों, दोनों का साथ साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी तक हम हेलो एल्किन और हेलो एरिन को साथ साथ पढ़ेंगे, उसके बाद में बनाने के जो भी इसके रहे हैं प्रिपरेशन के मेथड होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, उन दोनों को हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे बच्चों। हेलो एल्किन का अलग से पढ़ेंगे, हेलो एरिन का पार्ट बी में पढ़ेंगे। हम ये बोल सकते हैं ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है इस चैप्टर का, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पर आ रहा है आपके पास में क्लासिफिकेशन नंबर सेकंड, जो क्लास में आपको नंबर जो सेकंड दिया है, तो हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। देखो यहां पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है, हैलोजन एटम, कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों क्या बोल रहा है, इसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये बोल रहा है कि जिस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, HY क्या होगा बच्चों। तो आपको मैंने पढ़ाया था sp sp2 sp3 sp3d जो भी आपके पास में दिया है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि आपके पास में जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा कार्बन एटम का, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक तो होगा कार्बन हैलोजन, मैं लिख रहा हूँ सीधा CX कार्बन हैलोजन बॉन्डेड, बोले CX sp2 हाइब्रिडाइज कंपाउंड। इट मीन्स ये जो कार्बन दिया हुआ है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp2 होगा आपके पास में। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ sp2, इधर कौन आ जाएगा पास में, sp3 वाले आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, sp3 वाले आ जाएंगे आपके पास में। तो देखते हैं, हम बोलेंगे कि CX जो बॉन्ड होगा sp3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड, ठीक है। यहां से हर साल सवाल पूछते बच्चों, और सवाल क्या है आपके पास जो क्वेश्चन जो आता है वो सीधा आता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे आता है। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं आया तो ये बोल देगा कि जिस कार्बन से हैलोजन एटम बॉन्डेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों। यानी स्ट्रक्चर को आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इनमें भी इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बताते हैं आप लोगों को, देखते हैं बच्चों। सबसे पहले sp3 का देखते हैं एग्जांपल, देखो sp3 में आपके पास में, चलो sp2 का देख लेते हैं। यहां पर आपके पास में दो एग्जांपल आएंगे इस पूरे चैप्टर में बच्चों, ठीक है। एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट आपके पास में होगा, अभी अभी आपको ध्यान होना चाहिए, हमने बोला था हेलो एरिन, बोला था कि नहीं बोला था। तो हेलो एरिन क्या होता है कि बेंजीन रिंग से आपको डायरेक्ट क्या अटैच करना है, हैलोजन अटैच करना है बच्चों। तो देखते हैं, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर एग्जांपल क्या हो जाएगा, हेलो एरिन, क्या हो जाएगा बच्चों, हेलो एरिन। और हेलो एरिन की स्ट्रक्चर क्या होती है कि सर ये तो होगी बेंजीन रिंग, ये तो क्या होगी आपके पास में बेंजीन होगी, और बेंजीन के किसी भी एक कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, हैलोजन एटम जुड़ जाएगा। अब बताओ बच्चों, ये कार्बन था, ये क्या है कार्बन, और ये क्या दिया हुआ है हैलोजन एटम दिया, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन के चारों तरफ देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, हमें सिग्मा ही लेने हैं,
पाई नहीं लेने बच्चों, तो देखो यहाँ पर सिग्मा कितने हो गए, एक दो तीन, और तीन सिग्मा जब आते हैं तो हम बोलते हैं sp2। क्या बोलते हैं बच्चों? sp2। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में होगा विनाइलिक हैलाइड, हमने इसको बोला हैलोएरिन बोला या एराइल हैलाइड बोलते हैं, एक आएगा विनाइलिक। इधर कर रहे हैं थोड़ा सा, हमारे पास में सेकंड एग्जाम्पल क्या आएगा? विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, मतलब कि हम इसको बोलते हैं, इधर देखना बच्चों इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर आपके पास में होगी CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये इसकी स्ट्रक्चर है बच्चों। अब बताओ ये जो कार्बन है और ये हैलोजन, तो ये हैलोजन इस कार्बन से बॉन्डेड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक दो तीन, तो यहाँ पर क्या जाएगा? sp2 बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं इधर sp3 वाले की, किसके बात कर रहे हैं? sp3 वाले की बच्चों बात कर रहे हैं। sp3 के बारे में देखते हैं जरा ना, सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमारे पास में होगा वो चैप्टर का ही एग्जाम्पल हो जाएगा हेलो एल्केन्स। और बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ये है कि हेलो एल्केन्स में जिस कार्बन एटम से हैलोजन बॉन्डेड बना रहा है उसका HY क्या है, ये पूछ ले आपसे, तो पता होना चाहिए चैप्टर के बारे में। हेलो एल्केन्स के बारे में पूछ ले तो बोल देना sp2, और हेलो एल्केन किस में आ जाएगा? sp3 में। इसका पहला एग्जाम्पल क्या होगा? हेलो एल्केन्स। इट मीन्स इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें आपके पास में हो जाएगा CH3X, कि इस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है, तो इस कार्बन का HY कितना होगा बच्चों? बताओ CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इस कार्बन का? sp3। सेकंड जो एग्जांपल यहां पर होगा बच्चों आपके पास में, वो हमारे पास में हो जाएगा यहां पर विनाइलिक। यहां पर देखो विनाइलिक हम ले चुके हैं, एक आएगा बेंजाइलिक हैलाइड बच्चों, कौन आएगा? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2019 में सवाल पूछ चुका है बच्चों एक नंबर का, और सवाल क्या पूछा कि बेंजाइलिक हैलाइड में जिस कार्बन एटम से हैलोजन बॉन्डेड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आंसर क्या जाता? sp3। तो मेन तो ये है इसकी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगी बेंजाइलिक हैलाइड की बच्चों? इधर देखना, ये बेंजाइलिक हैलाइड आपको दिया गया है, और बेंजाइलिक हैलाइड की स्ट्रक्चर होती है ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से जुड़ेगा कार्बन, और इस कार्बन से कौन जुड़ेगा बच्चों आपके पास में? हैलोजन एटम जुड़ेगा। इस बेंजीन रिंग से कौन जुड़ रहा है? कार्बन। और इस कार्बन से कौन बॉन्डेड है? हैलोजन एटम बॉन्डेड है। तो बताओ बच्चों ये जो कार्बन है इसका HY क्या होगा? sp3 होगा। ये हो गया बेंजाइलिक हैलाइड आपके पास में। और लास्ट जो एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास में, थर्ड जो दिया गया है वो हमारे पास में एलाइलिक। एलाइलिक हैलाइड बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। एलाइलिक हैलाइड क्या होगा बच्चों हमारे पास में? इधर देखना CH2 डबल बॉन्ड CH2X। इधर आ जाओ बच्चों, इधर बना देता हूं मैं थोड़ा सा, इधर देखते हैं क्या दिया हमारे पास में एलाइलिक। एलाइलिक हैलाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2X, मतलब कि इट मींस इस कार्बन एटम से कौन बॉन्डेड होगा? हैलोजन। तो इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp3। ये स्ट्रक्चर ऐसे ना देखकर बच्चों आप ऐसे भी आ सकते हैं रिंग की फॉर्म में भी, ये इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड यहाँ पर कौन आ जाए आपके पास में? हैलोजन एटम आ जाए। अब आप ये सोच रहे हो सर इसको तो हम हेलो एरिन बोलेंगे, अरे बच्चों बताओ हेलो एरिन किसको बोलते हैं? बेंजीन रिंग पर अगर कोई हेलोजन एटम जुड़ रहा है डायरेक्ट, ये बेंजीन है क्या? बेंजीन तो है ही नहीं, ये तो हमारे पास में क्या है? साइक्लोहेक्सीन हो जाएगी। तो ये देखो आपके पास में इस कार्बन के बाद में ये जो कार्बन है तो ये हमने बनाया डबल बॉन्ड छोड़, देखो पाई छोड़, तो यहाँ पर देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 बच्चों। ठीक है बच्चों, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।